बच्चे अब हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होती है? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जहां पर भी उसको रखा जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर हम बोल दें कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। व्हेन इट इज प्रेस्ड अगेंस्ट दैट सरफेस, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो स्पंजी फॉर्म में होते हैं, जब हम उनको प्रेस करते हैं ऊपर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, तो वो अब जो फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं ऊपर की तरफ आने के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है आर, ठीक है, बाय आर, वेयर आर इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, मास इंटू में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो, ठीक है। अब देखिए बच्चे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज द फोर्स रेजिस्टिंग द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेस स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट कर दे उसको हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन है वो, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बच्चे? चार टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन, थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन एंड फोर्थ वन इज फ्लूइड फ्रिक्शन। देखिए बच्चे, अब हम डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इट कम्स इनटू प्ले, ये तब आता है व्हेन अ बॉडी इज फोर्स्ड टू मूव अलोंग अ सरफेस, जब हम एक बॉडी को फोर्स करते हैं कि वो एक सरफेस के अलोंग मूव करे, बट मूवमेंट डज नॉट स्टार्ट, लेकिन उसमें मूवमेंट स्टार्ट नहीं होती। मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रिमेन्स इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, जो मैग्नीट्यूड होता है स्टैटिक फोर्स का वो इक्वल रहता है किसके, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया होता है उस ऑब्जेक्ट पे, एंड द डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑब्वियस है, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसकी जो डायरेक्शन होती है इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। काइनेटिक, नाम से ही पता चल रहा है, जो मोशन के मूवमेंट में जो हेल्प करे। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चे? इट इज डिनोटेड बाय म्यू के, कम्स इन टू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग अलोंग अ सरफेस, ये तब आता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट ही करता है अभी मूव करना अलोंग अ सरफेस। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज इनफ टू मूव अलोंग अ सरफेस, देन द फोर्स विच अपोजेस दिस मोशन, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो अपोज करता है हमेशा मोशन को, तो क्या कह रहे हैं? व्हेन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज इनफ, जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है इनफ है टू मूव अलोंग अ सरफेस, देन जो फोर्स अप्लाई करते हैं हम जो अपोज कर देते हैं उसके मोशन को, उसको बोलते हैं हम क्या? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज एफ के इज इक्वल टू म्यू के न्यूटन, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोल्स करता है, मूव कर रहा होता है, देखिए फोर्स दैट स्लोस डाउन द मोशन ऑफ अ रोलिंग ऑब्जेक्ट, जैसे आपने देखा होगा रोलर कोस्टर को देखा होगा, जब रोलिंग हो रही होती है उसकी ग्राउंड में तो वो किस तरीके से मूव कर रहा होता है, इस तरीके से उसकी मूवमेंट होती है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ व्हील एंड ग्राउंड और सरफेस, जब हम उसको जैसे सपोज कर लो ये पार्क है, यहाँ पर उसकी मूवमेंट हो रही है, तो वो एक सर्कुलर फॉर्म में होता है बच्चे, इस तरीके से उसका जो फॉर्मेशन होती है रोलर कोस्टर में इस तरीके की होती है, तो वो जब मूव कर रहा होता है तो वो ग्राउंड के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आता है। तो यहाँ पर जब रोलिंग फ्रिक्शन की बात आ जाती है, तो जब हम रोलिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे फ्रिक्शनल फोर्सेस का कॉम्बिनेशन हो जाता है बच्चे। फ्लूइड फ्रिक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो बोर्ड जिसकी मूवमेंट एयर में या फ्लूइड वहां पर वाटर में हो रही हो तो उसको बोलते हैं फ्लूइड फॉर्म। अब फ्लूइड फ्रिक्शन की बात आ रही है तो फ्लूइड फ्रिक्शन अगेन किस टाइप का फोर्स होगा? इट इज अ रेजिस्टिव फोर्स जो स्लो डाउन कर दे मोशन को, किसके मोशन को? एक ऐसी बॉडी के मोशन को जो मूव कर रही है या तो एयर में या फिर फ्लूइड के अंदर, ठीक है, लिक्विड के अंदर। मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हमें करना हो बच्चे तो वो कैसे करेंगे? रिलेशन बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज गिवन बाय एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये आर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, जो क्या करते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इक्वली रिएक्शन करता है वहां पर और इक्वल फोर्स अप्लाई करता है अपने आप को ऊपर ही रखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। और अगर हम इसको लिखेंगे तो एफ इज इक्वल टू म्यू आर, वेयर म्यू इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है बच्चे। अब म्यू का यूज करके हम यहाँ पर म्यू के अलग अलग फ्रिक्शनल फोर्सेस के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं।
स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के लिए अगर वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पर म्यू एस अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अगर हमें काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स के कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन, और अगर हमें यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स के कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये इजीली इसी फॉर्मूले में अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनका कंपैरिजन देखिए बच्चे, जो ये है म्यू एस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, जो कोफिशिएंट होता है रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स का वो लेस देन होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, व्हिच इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि सबसे ज्यादा जो कोफिशिएंट होता है वो किसका आता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का। देखिए बच्चे, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं, ये हमें इनेबल अस टू वॉक विदाउट स्लीपिंग। हम जो बिना स्लिप हुए चल पाते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से ही होता है, इसलिए हमें ये प्रेफरेंस भी दी जाती है कि अगर हम कोई शू वियर कर रहे हैं तो जो उसको सोल होनी चाहिए वो रफ होनी चाहिए। द ब्रेकर्स एंड द टायर्स ऑफ आर कार्स एंड बाइसिकल डिपेंड ऑन फ्रिक्शन टू फंक्शन प्रॉपरली। जो हमारे ब्रेकर्स होते हैं और जो टायर्स होते हैं हमारी कार्स एंड बाइसिकल्स के, वो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है बच्चे, आपने ध्यान से देखा होगा, वो एकदम प्लेन फॉर्म में नहीं होती है। ठीक है, रफ रफ सी फॉर्म में होती है, तो उनकी ये भी किस वजह से होता है, ताकि वो फंक्शन कर पाए प्रॉपरली। द रिजेस इन स्किन ऑफ आवर फिंगर्स एंड पाम अनेबल अस टू ग्रैप्स एंड होल्ड ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर हमारी ये जो फिंगर्स है इसमें ये जो फॉर्मेशन होती है ये अच्छे से ना हो पाए, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से होल्ड ना कर पाए, तो ये किस वजह से होल्ड कर पाते हैं, ये किस वजह से हो पाता है, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ओबवियस है बच्चे, अगर हम फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे हैं, फ्रिक्शन मतलब अपोजिंग फोर्स अगर हम कहीं पे भी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर प्रोडक्शन होगा हीट का, नॉइज़ होगा। जब हम किसी भी चीज़ को मूव कर रहे होते हैं, अगर हम दो पर्सन की हेल्प से कर रहे हैं तब तो इतनी नॉइज़ नहीं आती है, लेकिन अगर हम सिंगल हैंडेडली करना चाह रहे हैं, हम उसको मूव करते हैं तो आवाज़ आती है। ठीक है, तो जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हीट, नॉइज एंड वियरिंग मशीन पार्ट्स रबिंग अगेंस्ट वन अनदर। जब रब किया जाता है तो ऑब्वियस है जो मशीन पार्ट्स हैं वो भी जो उनकी लॉन्ग लास्टिंग अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती जाती है। हीट प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन मे बी सफिशियंट टू कोज अब्रेजन ऑफ स्किन रिजल्टिंग इन द फ्रिक्शन बर्न। बच्चे जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी स्किन में भी इचिंग शुरू हो जाती है जब हम उसको लॉन्ग टाइम तक मूव कर रहे हैं, अपने हैंड से रब करने की कोशिश कर रहे हैं या मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रबर ट्यूब्स सच एज गैस्ट्रिक एंड द रेटल ट्यूब्स मे बर्न और इरिटेट द मेम्ब्रेन ओवर विच दे पास। जब हम किसी भी रबर ट्यूब को कहीं से पास करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, या तो हमें इरिटेट कर रहे होते हैं, अगर हम किसी भी रबर को कहीं पे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कॉर्क होता है, अगर वो ऑलरेडी फिक्स है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम उसको अपनी तरफ से फिक्स करने की कोशिश करते हैं, उसको उसके अंदर जो फ्रिक्शनल प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से भी जो जहाँ पर वो पास हो रही होती है, जिस मेम्ब्रेन से वो पास हो रही होती है, वहाँ पर भी क्या हो जाती है, या तो बर्निंग की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर इरिटेशन शुरू हो जाती है।